जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन नहीं लगता। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है, मन हमारा नहीं लगता, क्या कारण है, क्या वजह है, और बहुत सारी इस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मन जो है वो हमारा अस्थिर है, कभी यहाँ कभी वहाँ। मन और दिमाग, इन दोनों के बीच का जो ताना बाना है, हम उसे सहन करते आते हैं, उसे हम सहते हैं, और हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे जीवन की उपयोगिताएं, आवश्यकताएं, इन सभी में मन और दिमाग का जो तालमेल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों का तालमेल ही मन को शांत रख पाएगा। मन कह रहा है ये करो, दिमाग कह रहा है ये करो, और इन दोनों के प्रभाव में अगर दिमाग ज़्यादा तेज होगा या मन ज़्यादा तेज होगा, वो आप उस ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो मन को शांत करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आप ईश्वर का स्मरण करें, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। दूसरा उपाय है कि जितना काम करेंगे दिमाग को व्यस्त रखेंगे अच्छे काम में। पहले एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य पे काम करना चाहिए। लक्ष्य पे काम करने के बाद हमें जो उससे अर्जित होता है, जो प्राप्त होता है, जो भी चीज अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, हमें उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य रहेगा तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि मन को उसी जगह बार बार केंद्रित आप करेंगे कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात है कि हम खाली दिमाग से काम करें। जब दिमाग खाली होगा तो मन अपने वश में कर लेगा। तो दिमाग को खाली नहीं रखना है, कुछ भी काम करें। चौथी बात, सकारात्मकता। सकारात्मकता हमारे जीवन की वो पूंजी है जो इस जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए पॉजिटिव रहने की एक पॉजिटिव आदत आप बना लें, क्योंकि अगर वो आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को ढाल लें, क्योंकि सकारात्मकता हमारे लिए एक वरदान है। बड़ी से बड़ी परेशानी का आपको हल मिल सकता है अगर आप पॉजिटिव हैं तो। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात, बिल्कुल सही और सटीक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इसमें लाभ या कोई तर्क संगत ना हो या कुछ भी बात हो, तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दें, और अगर इन पर ध्यान देंगे तो ज़रूर आपका तो मन भटकेगा नहीं और मन हर जगह लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।